आज हम बात करेंगे यॉर्क चिलर YCIB के बारे में। इसमें लॉकआउट या फिर अलार्म जिसको बोलते हैं, इसमें लॉकआउट गेट ड्राइव का अलार्म क्यों आता है और गेट ड्राइव क्या है और गेट ड्राइव अलार्म आए तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। अभी आपके वीडियो स्क्रीन पे दिख रहा होगा सिस्टम 2 जो है लॉकआउट है, गेट ड्राइवर फॉल्ट है। तो गेट ड्राइवर IGBT को बोलते हैं, जो कि एक गेट चालक बोर्ड है, ये कह सकते हैं कि कंप्रेसर को रन करवाने का काम करती है। अभी आपके वीडियो स्क्रीन पे दिख रहा होगा IGBT गेट ड्राइव बोर्ड, जो कि यॉर्क चिलर YCIB का कंट्रोल है। इसका जो फंक्शन है वर्किंग, ये चिलर कंट्रोल बोर्ड और VSD से कनेक्ट रहता है। यॉर्क चिलर YCIB में गेट ड्राइव के अलार्म आने के जो केसेस हैं वो ये हैं। सबसे पहले नंबर पे है IGBT गेट ड्राइव बोर्ड जो है वो फॉल्ट हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है। दूसरा है जो कनेक्शन केबल है, कनेक्शन जैक है, जो कि VSD SCR से कनेक्ट है, वो डिफेक्टिव हो सकता है। और कैपेसिटर जो है वो भी डिफेक्टिव हो सकता है। और चौथे नंबर पे हमारा आ जाएगा जो पेस्ट है, जिसको हीट कंपाउंड पेस्ट जिंक भी बोलते हैं, वो जब पूरे ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, तब भी जो है गेट ड्राइव का अलार्म आने लगता है। तो ये तो इनके केसेस हैं। और हम अभी जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं इसमें IGBT जो है वो डिफेक्टिव है, तो हम इसको चेंज करने वाले हैं। इस वीडियो में देखेंगे IGBT बोर्ड को कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले तो डिफेक्टिव IGBT जो है उसको रिमूव करेंगे, हम सिस्टम से हटाएंगे। इस पर हम एक अलग से वीडियो बना करके अपलोड करेंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जब हम अपलोड करेंगे। इंस्टॉलेशन प्रोसीजर देखते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं। चलिए इंस्टॉलेशन प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले ये हमारी न्यू IGBT बॉक्स है। IGBT को सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये हीट कंपाउंड है, थर्मल हीट कंपाउंड, जो कि मैंने बताया था कि IGBT में लगाना जो है ज़रूरी होता है, ताकि ये बेस प्लेट के हीट को एब्जॉर्ब करें और जो IGBT बोर्ड है वो ज़्यादा जो है गर्म ना हो, हीट ना हो। तो अभी हम पेस्ट लगा रहे हैं IGBT, जिसको थर्मल हीट कंपाउंड बोलते हैं। बने रहें आप इस वीडियो के साथ। और हमने जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो वीडियो में हमने मेंशन कर दिया है, आप उसको रीड भी कर सकते हैं। अगर से आपका कुछ डाउट रह गया हो IGBT से रिलेटेड, केसेस से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट छोड़ दें, हम उस पर जो है रिप्लाई देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। और एक अलग से और वीडियो हम तैयार करेंगे IGBT रिमूव के लिए और इसके केसेस के बारे में। इसमें डिस्कस नहीं करने का वजह यह है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये आप देखें IGBT बेस प्लेट है, ये जहाँ पे IGBT इंस्टॉलेशन एरिया है।
आईजीबीटी के स्क्रू को टाइट करते वक्त बहुत ही ध्यान से टाइट करना है, सेफ्टी के साथ काम करना है। और सेफ्टी वैसे भी फर्स्ट होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल या फिर आप किसी भी फील्ड में हो तो सेफ्टी सबसे पहले तो फर्स्ट होता ही है। आईजीबीटी इंस्टॉलेशन हो गई है, अब इसमें कैपेसिटर इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद कनेक्शन की जाएगी। अब हमारी पूरी कंट्रोल तैयार हो गई है, आईजीबीटी कैपेसिटर हमने इंस्टॉल कर दिया है, कनेक्शन सारे कर दिए हैं। अब हम सिस्टम को स्टार्ट करके देखेंगे और चालू करेंगे और इसकी पैरामीटर को नोट्स करेंगे, सिस्टम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये देखिए हमने अभी सिस्टम टू को स्टार्ट कर दिया है और इसकी जो पैरामीटर्स है रेफ्रिजरेंट से रिलेटेड और आईजीबीटी बोर्ड से रिलेटेड उसको भी देखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे यॉर्क शिलर YCIV के कंट्रोल में IGBT को कैसे इंस्टॉल करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।